नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुलाब की कटिंग तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन गुलाब की कटिंग जब लगाते हैं तो वो इतनी आसानी से ग्रो नहीं करती, क्योंकि इसके कुछ कारण हो सकते हैं। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है कि गुलाब की कटिंग ना लगने के क्या कारण है। वैसे तो गुलाब की कटिंग लगाने के बहुत से तरीके हैं, जिन पर हम फिर कभी बात करेंगे। नॉर्मली जब कटिंग लगाते हैं तो कटिंग के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके क्या कारण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक, मौसम। देखिए, गुलाब की कटिंग को अगर आप गलत समय पर लगाएंगे तो वो नहीं लग पाएगी। इसके लिए आपको सही समय का चुनाव करना होगा। गुलाब की कटिंग लगाने के लिए सही समय जो है वो नवंबर या फिर आप जनवरी के एंड में लगा सकते हैं। फरवरी के अंदर क्या है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, यानी कि जब प्लांट जब कटिंग की ग्रोथ होती है तो गर्मी तेज हो जाती है, इसलिए जनवरी के एंड में लगाएंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप किस जोन में रहते हैं उस हिसाब से है। जैसे कि मेरे यहाँ पे क्या है, फरवरी के एंड में जो है गर्मी थोड़ी तेज शुरू हो जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी पहले लगा लेनी चाहिए या फिर मुझे नवंबर में लगानी चाहिए। यहाँ गुलाब की नई ग्रोथ जो है वो फरवरी में शुरू हो जाती है, तो हमें जनवरी के एंड में जो है कटिंग्स लगा देनी चाहिए, या फिर आप जब प्लांट सर्दियों के बाद अपने पत्ते गिरा देते हैं और उसके बाद उसकी नई ग्रोथ शुरू होने वाली होती है, आपको जस्ट उससे पहले लगा देना चाहिए उसको, तो वो समय बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि जैसे आप उसको लगाएंगे और उसकी नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नंबर दो, टेक ए राइट कटिंग। देखिए, मौसम सही है और आपने जो कटिंग है अगर वो ही गलत ले ली तो भी आपकी कटिंग जो है वो नहीं ग्रो करेगी, इसलिए आपको सही कटिंग लेनी होगी। सही कटिंग से मेरा मतलब है कि कटिंग जो है एक तो कच्ची ना हो, जैसे कि नई कोपल निकलती है कहीं आप उसी को लगाने लग जाएं, तो ऐसा ना हो, और ना उस कटिंग पर जिसको आप लगा रहे हैं उस पे कोई फंगस या कोई रोग हो। साथ ही आप ये इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो कटिंग आप ले रहे हैं उसकी जो नई ग्रोथ है, यानी कि नई ग्रोथ की जो कोपले होती है वो खुली ना हो, यानी कि अगर उनमें से पत्तियां बाहर आ गई है तो वो कटिंग आप ना लें। आपको कटिंग ऐसी लेनी है जिसमें जो कोपले हैं वो खुलने से पहले का जो जिसको आंख बोलते हैं मेरे यहाँ पे, यानी गुलाबी कटिंग में आंख उसको बोलते हैं, जो कोपले हैं वो बंद होती है, तो ऐसी कटिंग लेने से क्या होगा, जब आप कटिंग को लगाएंगे तो लगाने के बाद वो कोपले खुलेगी और नीचे रूट्स चल पड़ेगी, तो आपकी कटिंग लगने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए ऐसी कटिंग ले जिसकी कोपले खुली ना हो। नंबर तीन, टूल्स। मोस्टली वीडियो में आपको बताता हूँ टूल्स के बारे में। गुलाब की कटिंग लेते समय इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो टूल है वो शार्प हो। अगर आपका टूल काफी पुराना हो चुका है और वो शार्प कट नहीं करता है, तो जब आप उसकी कटिंग लेंगे तो वो कटिंग जहाँ से आप उसको कट करेंगे वहां से वो खराब हो जाएगी, और अगर आप उसको वहां से लगाएंगे तो उस जगह पे जो फंगस है उसका उस जगह पे फंगस लग सकती है और जो कटिंग आपकी काली पड़ सकती है, तो आपका टूल शार्प होना चाहिए। दूसरा, जब आप टूल यूज़ करते हैं, जैसे आपको काफ़ी टाइम हो गया टूल को यूज़ किए हुए, तो उसको एक बार यूज करने से पहले जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड से एक बार साफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शार्प टूल से कट करने से क्या होगा, शार्प कट होगा तो कटिंग जो है उसके खराब होने के चांस कम होंगे। एक प्रूनर तो कम से कम एक गार्डनर के पास होना चाहिए, तो एक अच्छा प्रूनर आप अपने किसी नर्सरी स्टोर से ले लीजिए। अगर आपके आसपास नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। एक अच्छे प्रूनर का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। नंबर चार, रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन जो है अगर आप यूज़ नहीं करते तो उसमें क्या आपकी कटिंग ग्रो होने का चांस थोड़ा कम होता है, लेकिन ये नहीं है कि रूटिंग हार्मोन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो कटिंग ग्रो नहीं करेगी। मैं काफ़ी बार जो है बिना रूटिंग हार्मोन के भी काफ़ी कटिंग ग्रो की है। मेरे पुराने वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत से वीडियो में जो है बिना रूटिंग हार्मोन के कटिंग ग्रो करके आपको दिखाई है, क्योंकि आज के वीडियो के हिसाब से हम ऐसा करेंगे कि हमारी जो कटिंग है उसके सक्सेसफुल होने के चांस पूरे हो, इसलिए आप कटिंग को लगाने से पहले अगर उस पर रूट हार्मोन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूट हार्मोन से क्या, उनमें रूट्स जो है वो अच्छे से ग्रो होगी, और दूसरा वहाँ पे जो फंगस की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। रूटिंग हार्मोन लोकल मार्केट में तो शायद ना मिले, लेकिन अगर आप किसी नर्सरी में जाएंगे या नर्सरी स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रूटिंग हार्मोन मिल सकती है, या आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि आप रूटिंग हार्मोन यूज ना करें तो आप देसी तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कि आप जो शहद है वो यूज कर सकते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि शहद को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज ए रूटिंग हार्मोन, और दालचीनी पाउडर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं रूटिंग हार्मोन की जगह पे। नंबर पांच, सॉइल मिक्स। गुलाबी कटिंग लगाने के लिए अगर आपने जो सॉइल मिक्स तैयार किया है अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो भी आपकी कटिंग जो है वो नहीं लग पाएगी और आपकी कटिंग जो है वो खराब हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने
ऐसे सोइल में कटिंग लगाई है जिसमें पानी जो है डालने के बाद निकलता नहीं है, यानी कि ड्रेन नहीं होता है, सिर्फ वहीं पे खड़ा रहता है, तो ऐसे में आपकी कटिंग जो है वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि आपका सोइल कैसा भी हो लेकिन वो कम से कम वेल ड्रेन जरूर हो। आप कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट को मिलाकर जो मिक्सचर तैयार होता है उसमें भी कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मिलते नहीं है, तो आप रिवर सैंड यूज कर सकते। लेकिन एक चीज देखिए, जब आप सोइल मिक्स तैयार करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा जो फंजिसाइड है वो ऐड कर ले ताकि फंगस की प्रॉब्लम ना आए। और जो सोइल मिक्स, जो भी आपके पास सोइल है उसमें एक चीज का और ध्यान रखिए, कोई भी गली सड़ी चीजें ना हो, जैसे कुछ गली सड़ी पत्तियां वगैरह उसके अंदर ना पड़ी हो, आपका सोइल मिक्स जो है वो बिल्कुल साफ हो। नंबर 6, लोकेशन। गुलाब की कटिंग लगाने के बाद अगर हम उसको सही जगह पे नहीं रखेंगे तो ये भी हमारे कटिंग ना लगने का एक कारण बन जाता है। अब कटिंग को लगाने के बाद कहाँ रखना चाहिए ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर आपने जनवरी में लगाई है तो जनवरी में एक ठंड काफ़ी तेज होती है, बाहर पाला भी पड़ता है, तो ऐसे में अगर हम खुले में रखेंगे तो क्या कटिंग की अगर ग्रोथ स्टार्ट भी होगी तो वो हो सकता है पाले से ख़राब हो जाए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पॉली बैग से उसको कवर कर दें और उसको आप ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे उसको धूप भी मिलती हो। आप उसको बाहर भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप इंडोर रखना चाहें तो उसको खिड़की के पास जहां धूप आती हो वहां रख सकते हैं, तो ऐसी जगह पे रख सकते हैं अगर आप जनवरी में लगाते हैं तो। लेकिन अगर आप फरवरी में लगाते हैं तो आप इसको ओपनली लगा सकते हैं बाहर। जब आप लगाएं फरवरी के अंदर तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहां पे 12 बजे तक की जो धूप है वो उसको मिले, लेकिन जब तेज हीट वाली धूप स्टार्ट हो जाती है फरवरी के बाद वो ना मिले, क्योंकि अगर तेज हीट वाली धूप मिलेगी तो जो नई कोंपली निकलती है वो जल जाती है और आपकी कटिंग जो है वो खराब हो सकती है। आप शेमी शेड में भी रख सकते हैं, अगर आपके वहां पे भी मेरे यहाँ की तरह गर्मी तेज हो जाती है तो आप शेमी शेड में भी कटिंग को रख सकते हैं। नंबर 7, फर्टिलाइजर। बहुत से दोस्त क्या करते हैं, जैसे ही कटिंग में कुछ पत्तियां निकल के आती है वो उसके अंदर फर्टिलाइजर डाल देते हैं, जिससे कि कटिंग जो है वहीं पे खराब हो जाती है। इसलिए जब तक कटिंग में अच्छे से ब्रांचिंग आ जाए, कटिंग एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक उसमें कोई फर्टिलाइजर ना दें तो बेहतर होगा। नंबर 8, ट्रांसप्लांटिंग। कटिंग के अंदर कुछ पत्तियां तो सिर्फ नमी से आ जाती है, और ऐसे में कुछ दोस्त क्या सोचते हैं कि हमारी कटिंग लग गई है और वो क्या करते हैं उनको जो है ट्रांसप्लांट कर देते हैं नए गमले में, और ऐसा करने से क्या होगा, जो कटिंग है आपकी वो दूसरे गमले में जाते ही जो है सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए आपको कटिंग जो है वो सही समय पर जो है ट्रांसप्लांट करनी होगी, यानी कि अगर आपने फरवरी तक जो है कटिंग लगा दी है तो उसको जब रेनी सीजन आता है उस टाइम पे आप उसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक ऐसा होता है कि नमी के कारण इसकी पत्तियां आती है और नीचे जो रूट्स है वो ग्रो नहीं करती। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसप्लांटिंग की जल्दबाजी ना करें। बहुत से दोस्त क्या है कटिंग लगाते हैं और 20 दिन बाद ही वो मेरे से क्वेरी करते हैं कि हमने पहले कटिंग लगाई थी उसमें 4-5 पत्ती आ गई है कि हम उसको ट्रांसप्लांट कर दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन कारणों की वजह से आपकी कटिंग जो है वो कभी ख़राब नहीं होगी और आपकी कटिंग जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी। दोस्तों आपके पास कौन कौन से गुलाब के पौधे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो में बताई गई कोई भी चीज़ अगर आपके यहाँ पे ना मिले तो आप इनको ऑनलाइन लेना चाहें तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर क्या करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।